बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 1/27 x + 27 x + 27 x = 243। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके एक्स की वैल्यू को फाइंड करेंगे। यहाँ लिख देंगे 1, नीचे डिवाइडेड में इनसे 27 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 1 + 1 + 1 = 243 लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे 1, 27 को लिख देंगे 3 होल पावर x मल्टीप्लाई इनसे क्या आता है 3 = 243। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे 1, नीचे इनको इस तरह लिख देंगे 3 power 3x मल्टीप्लाई 3 = 243 को लिख देंगे 3 power 5, क्योंकि 3 power 5 से क्या आता है 243। यहाँ इसके नीचे 1 लिख देंगे। इसके बाद क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इनके इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इनको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ जाएगा 3 power 3x मल्टीप्लाई 3 power 5 = 1 + 1। यहाँ 3 के ऊपर कोई पावर नहीं, 1 लिख देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इनका और इनका और इनका बेस सेम है, एक बेस ले लेंगे और पावर में 3 power 3x + 1 + 5 = इनसे 1 आता है। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे 3 power 3x + 6 = 1 की जगह लिख देंगे 3 power 0, क्योंकि 3 power 0 किसके बराबर है 1 के। उसके बाद क्या करें, हमें एक फार्मूले का पता है, वो क्या है, a power m = a power n, वो बराबर होता है m = n के, तो इन दोनों को विस्तार करेंगे, यहाँ जाएगा 3x + 6 = 0। इसके बाद क्या करेंगे, 6 को ये +6 नहीं है, ये वाला इनको साइड बनाए, यहाँ जाएगा 3x = -6। इसके बाद दोनों साइड को 3 पर डिवाइड करेंगे, इसको भी 3 पर डिवाइड करेंगे और इसको भी 3 पर डिवाइड करेंगे, ये 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ये 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 3 1 3 3 2 6, तो यहाँ 2 आ जाएगा 6 के ऊपर, यहाँ आंसर हमारे पास आ जाएगा x = -2। इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया, हमारे पास आंसर आ गया -2, x की वैल्यू आ गई -2।